चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा अरे मोमो ये तुम क्या कर रही हो मुझे बहुत बिरयानी लगी थी तो मैं भूख खा रही हूँ अरे ये कौन सा टाइम है यार खाना खाने का रात के 2 बज रहे हैं क्यों रात के 2 बजे खाना खाना मना है क्या मोमो इतना लेट खाना नहीं खाते हजम नहीं होता यार नहीं हो गया हजम अब तो खा सकती हूँ ना ओह अब क्या हुआ कुछ नहीं यार लाइट ऑफ करो आज रात बच्चे नहीं है अपने दोस्तों के यहाँ नाइट स्पेंड करने गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने सोना ही नहीं है ले लाइट ऑफ कर दी तो मुझे बोटियाँ कैसे नजर आएंगी अरे बोटियाँ कौन सी फर्श पे पड़ी हैं जो तुम्हें नजर नहीं आएंगी प्लेट में पड़ी है ना और प्लेट में तुमने कुछ छोड़ना है जो तुम बोटियों का कह रही हो कि नजर नहीं आएंगी चुप करके सो जाए नबील ये इतनी रात को तुम मुस्कुरा मुस्कुरा कर किसको मैसेज कर रहे हो मैं कौन नहीं तो क्या मैं जानू वो एक दोस्त से बात कर रहा था दोस्त से इधर दिखाओ मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारा ये दोस्त रानी रानी कौन है जानू ये मेरे बचपन का दोस्त है राहिल तो हम सारे दोस्त जो है ना इसको रानी रानी कहते हैं अच्छा हाँ इसने तुम्हें स्वीट हार्ट क्यों लिखा है नबील जानू जरा दिखाना जानू ये ना मुझसे प्यार बहुत करता है इसलिए रियली जानू किसे फोन कर रही हो अभी पता चल जाएगा हेलो की बच्ची तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को मेरे हस्बैंड को मैसेज करती हो हाँ नबील शोहर है मेरा जानू प्लीज और एक बच्ची का बाप भी है वो तो यार जानू बच्ची का तो ना बताओ ना यार आइंदा अगर तुमने मेरे हस्बैंड को मैसेज किया ना तो घर आके तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत कर दूंगी जानू यार वो सिर्फ मेरी दोस्त है यार बहनों की तरह नबील ये तुम्हें तुम्हें सुबह बताऊंगी ओ जानू जो बताना ना अभी बता दो मुझे सुबह तक इंतजार नहीं होगा मैं टेंशन में रहूंगा यार बकवास बंद करो देखो तो मैं तुम्हारे साथ सुबह करती क्या हूँ जानू मेरा फोन तो दे दो मुझे शट अप नबील ओके जानू अरे मोमो अरे क्यों करवटे ले रही हो भाई हाय 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 वो आ गया हनीफ वो आ गया अरे कौन हनीफ मोमो मैंने हनीफ आपको बोला है तौसीक अरे मैं तो कब का आया हुआ हूँ यार मोमो है? अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे जलजला आ गया हो हाँ जलजला आ गया जमीर अफरीदी क्या हाँ ये देखें सब कैसे हिल रहे हैं सलीम सलीम नबील नबील अगर यहाँ कोई दीवार हमारे ऊपर गिर गई ना तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा चलो जानू चले चलो तुम तो मुझसे बात ही ना करो नबील अच्छा ही होगा अगर तुम पे कोई दीवार गिर जाएगी तेरे से दफा कर इधर ही मरने दे हम लोग तो बाहर लॉन में चले ना हाँ माँ जी चलो तेज हो गया मैं वो सब माँ जी चलो मैं बच गया जानू 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 तुम ठीक हो जानू
जानू रियली सॉरी, रात वाली बात क्यों है ना, मुझे माफ कर दो। अरे जलजला आया था तो तुम्हारा क्या कसूर है उसमें नबील? नबील तुम तो ठीक हो ना, कोई चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं जानू मुझे तो नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा तुम्हें बड़ी गहरी चोट आई है। अरे नहीं नहीं नबील मैं ठीक हूँ, सुबह हो गई है, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया होगा नबील, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जानू वो जो तुम मेरे लिए बना के लाओगी वो नाश्ता होगा? हाँ। अच्छा जानू ओके, ओ या अल्लाह तेरा शुक्र है जल्दी लेने मेरी जान बचा ली। माँ जी 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 नबील पुत्र तू क्या क्या कहा आपने मुझे पुत्र? नहीं पुत्र से पहले क्या कहा था आपने? नबील। अरे माँ जी आपने जिंदगी में पहली बार मेरा नाम ठीक ले लिया। आ? इसका मतलब है माँ जी आपकी याददाश्त वापस आ गई। क्या मेरी याददाश्त चली गई थी? ओ माँ जी ये तो कमाल हो गया। विश्य वशे जानो 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 क्या हुआ नबील? जानो तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। अरे जानू पूछोगी नहीं किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ? मैं तुमसे कुछ पूछने की जरूरत कैसे कर सकती हूँ नबील? तुम मुबारकबाद दे रहे हो तो जरूर कोई मुबारकबाद देने वाली बात होगी ना? जानू माँ जी की याददाश्त वापस आ गई है। कहाँ से? मेरा मतलब है कैसे? ओ जानू सलसला आया था ना रात तो माँ जी को चोट लगी थी सर पे, मुझे लगता उसी की वजह से वापस आई है याददाश्त। बहुत ही खुशी की बात है नबील। हाँ जानू और माँ जी ने पता है मेरा नाम सही लिया नबील। वाओ ये तो कमाल हो गया। हाँ जानू। और महमूद साहब वो तो ठीक है ना? उशार इन सब चीजों में तो महमूद साहब को मैं भूल ही गया हूँ। जाओ नबील महमूद साहब को भी उठाओ ना ताकि मैं सबके लिए एक साथ नाश्ता बना लूँ। क्या? हाँ ना जाओ। आपका मुँह कितना बड़ा हो गया पूरे ढाई किट का, देखिए मेरी गोद में भी पूरा नहीं आ रहा ना। उठे पानी डाले ना। जा जाके बाल्टी भर के ले आ। माँ जी इनका मुँह धुलाना नहीं है यार, सिर्फ पानी छिड़कना है, त्रोंका लगाना है यार। पानी छिड़कने से इनका मुँह और बड़ा हो गया तो फिर? ओ माँ जी चुप करे यार। महमूद साहब उठे यार, उठे। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? अरे यार आप महमूद साहब हैं? मेरे मियाँ। तुम कौन हो? है? वो यार ये मेरी माँ है। और तुम कौन हो? वो मैं नबील हूँ। कौन नबील? ओए पुत्र मुझे लगता है मेरी याददाश्त आ गई और महमूद की चली गई है। क्या? अरे कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो और ये कौन सी जगह है? बल्कि सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं कौन हूँ। आप महमूद हैं मेरे शौहर। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मेरी माँ की उम्र के बराबर होगी तुम। अरे मेरी वो खो गई यार, तुम लोग उसका वो उठा रहे हो। नबील क्या हुआ, महमूद साहब ठीक है ना? ओ यार महमूद साहब तो पहले से ज्यादा टुंड हो गए हैं। हाँ बल्कि सोने हो गए यार महमूद साहब। एक सेकंड चले आए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो हफीज? हफीज नहीं नबील। तुम मुझे नबील के पास लेकर आए हो? मैं मुसाब बंद करे यार ये ड्रामा, मुझे पता है आप एक्टिंग कर रहे हैं और वो भी ओवर। अरे मैं एक्टिंग नहीं कर रहा भाई, मेरी सचमुच वो चली गई है। वो क्या? वो जो मुझे याद नहीं आ रहा। ओ यार महमूद साहब याद करें, मैं नबील हूँ नबील। कौन नबील भाई? ओ यार बुलबुले वाला नबील, खोए वाला मलाई वाला नबील। यार ये बुलबुले क्या है? ओ यार महमूद साहब आप बुलबुले भी भूल गए। ओ यार जहन पे जोर डाले, याद करें जोर डाले दिमाग पे। मुझे वो आ नहीं रहा यार। वो क्या? वो ही जो मुझे आना चाहिए। ओ महमूद साहब दही में इस बोल डाल के खाएं, सुबह आ जाएगा। ओ यार याद करें ना महमूद साहब। हाँ, याद, मुझे याद नहीं आ रहा यार। महमूद साहब मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे आपके सर पे डटा मार के ना आपकी याददाश्त वापस लानी पड़ेगी। महमूद तो मुझको पहचान ही नहीं रहा, मैं क्या करूंगी इस भरी जवानी में, मैं किससे रोमांटिक बातें करूंगी? नबील किसी डॉक्टर को बुला लो ना। क्या मैं डॉक्टर से रोमांटिक बातें करूंगी? नहीं माँ जी, डॉक्टर महमूद साहब के लिए बुला रहे हैं। महमूद डॉक्टर से रोमांटिक बातें करेंगे भी? ओह
क्या हुआ नबील, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं? ओ नहीं जानू, मैं ठीक हूँ। तो फिर डॉक्टर को बुलाएं? और जब नबील कह रहा है कि ये ठीक है तो तू डॉक्टर को क्यों बुला रही है? माँ जी महमूद साहब के लिए यार। ओ दफा करो जानू, माँ जी को याद आ गया, तुम सब कुछ भूल गई, मेरे लिए यही काफी है। मैं क्या भूल गई हूँ नबील? कुछ नहीं जानू, वो रात तुमने मुझसे 2000 लिया था ना, वो देना भूल गई हो। रियली? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार, मैं भी लाती हूँ। यस यस यस, क्या कर रहे हैं, जाके डॉक्टर को फोन लगाओ। क्यों माँ जी? ओए मुझे महमूद पहले जैसे चाहिए। वो जो आपको पहले जैसा चाहिए वो महमूद है? हाँ जी। अच्छा जी, बुलाता हूँ माँ जी डॉक्टर को। हेलो भाई, हेलो हेलो। डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? अरे भाई मैं कल रात से घर से बाहर हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ, भाभी ने घर से निकाल दिया? अरे नहीं भाई, कल रात को जलजला आया था ना, तो मैं डर के मारे बीवी को घर पे छोड़ के बाहर निकल आया था। हाँ भाई, जब से ही बाहर हूँ अभी भी जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं। वैसे एक बात बताए, आप लोगों को कल रात जलजले के झटके लगे थे? ओ यार डॉक्टर साहब, रात तो नहीं, मुझे सुबह उठने के बाद झटके लग रहे हैं यार। वो कैसे भाई? डॉक्टर साहब आप पहले घर आए फिर बताता हूँ। भाई घर क्या, मैं तो आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। हैं? अच्छा ठीक है। ओ माँ जी जाए, ये डॉक्टर दरवाजे के बाहर ही खड़ा है यार। वुशा वुशा, अभी लाए। लाए, लाए। अरे माँ जी आप, अरे आपने दरवाजा क्यों खोल दिया? अब आपको ये याद दिलाने में कि मैं कौन हूँ पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। मुझे पता है तू डॉक्टर शाहिद 612 है। हाँ, और तू यहाँ मेरे मियाँ महमूद का इलाज करने आया है। अरे माँ जी ये आपको क्या हो गया, लगता है कल रात जो जलजला आया था उससे आपके सर पे कोई गहरी चोट लगी है। हाँ बच्चू मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अब। नवीन आए, नवीन आए, नवीन आए। इसको क्या हो गया, बलूड़ा सा। ये लो। थैंक यू जानू, थैंक यू। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? माँ जी की याददाश्त चली गई है। चली नहीं गई, वापस आ गई है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई है ना नबील भाई। गड़बड़ क्यों हो गई है, माँ जी तो बिल्कुल ठीक हो गई है डॉक्टर साहब। भाई माँ जी ठीक हो गई है तो बुलबुले कौन देखेगा? यार जानू ये तो हमने सोचा ही नहीं था। भाई सबसे पहले तो मैं माँ जी का इलाज करूँगा। क्या? हाँ भाई, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब आप माँ जी को छोड़े, आप महमूद साहब का इलाज कर लें प्लीज। अरे भाई वो क्या दूसरी शादी करने वाले हैं? नहीं भाई। तो फिर इलाज की क्या जरूरत है उनको? ओ यार महमूद साहब की याददाश्त चली गई है भाई। अरे कहाँ चली गई है महमूद साहब की याददाश्त, उसको जाने कैसे दिया आपने? भाई घर का दरवाजा अंदर से बंद करके रखते ना, अब वो चली गई है कहाँ ढूंढेंगे उसको। डॉक्टर साहब कल जलजले में कहीं आप भी गिर गए थे? अरे हाँ भाई, कल भागते हुए ना सीढ़ियों से गिर पड़ा था। पर ये आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। डॉक्टर साहब मैं महमूद साहब को बुलाऊं? भाई से महमूद साहब नहीं, कल रात जिस जिसको चोटें आई है ना मैं उन सब का इलाज करूंगा। चोट तो मेरे सर पे भी आई थी। नहीं 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 जानू, तुम बिल्कुल ठीक हो। और डॉक्टर साहब खबरदार, जो आपने मेरी बीवी को हाथ लगाया ये बिल्कुल ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ माँ जी और महमूद साहब का इलाज करेंगे। चलो भाई सबको लाउंज में बुलाएं, मैं अंदर जाके सबको चेक करूंगा। वो जो लाउंज में आप सबको करेंगे वो चेक होगा। हाँ जी। तो चलो जी आओ जी, आओ जानू, आओ आओ आओ। भाई इनको तो बड़ी गहरी चोट आई है। हाँ ये बचपन में खेलते हुए अपने घर के छत से गिर गए होंगे, है ना, है ना? ओ भाई इन्हें कल रात को सर पे चोट आई है। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि आपका सर किस चीज पे लगा था बचपन में? नहीं भाई रात में। याद नहीं है मुझे। अरे भाई इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है, इलाज क्या खाक करूंगा। अच्छा ठीक है, आप जब तक याद कीजिए मैं माँ जी को चेक करता हूँ, ठीक है? अवश्य अवश्य। अच्छा तो माँ जी आपको सब याद आ गया? हाँ मुझे सब याद आ गया। अच्छा तो आपको ये भी याद आ गया कि आपने मेरे 5,000 रुपए देने? ये याद नहीं आया मुझे। इसका मतलब ये है कि आपकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है। ठीक है भाई मैं कुछ करता हूँ। नबील ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं यार? ओ जानू मुझे लग रहा है इस डॉक्टर को दिखाने के लिए एक और डॉक्टर लाना पड़ेगा यार। नहीं भाई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सर पे चोट लगने से कुछ भी नहीं होता। अरे भाई आपको यकीन नहीं आता ना, अभी देखिए अभी देखिए, ये देखिए ये देखिए, कुछ हुआ? देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये देखिए। ओए ओए अरे मैं घबराए मत, घबरा मत, ये हॉकी मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हॉकी? हाँ
अरे हॉकी से याद आया, मैं बचपन में बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलता था और जब फुटबॉल रिक्तों तक जाने लगती थी तो मैं रैकेट से उसको उछाल के दूर जाके गोल कर देता था। तो भाई इससे मुझे याद आया कि मुझे महमूद साहब का इलाज मिल गया है। क्या भाई, मैं ये हॉकी महमूद साहब के ठीक उसी जगह पे मारूंगा जहाँ कल रात उनको चोट लगी थी। कैसा? नहीं अरे पकड़े, अरे भाई मुझे कहाँ पकड़े, बाजी पकड़े महमूद साहब को, उधर चलो लगी थी, उधर चलो, उधर उधर ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे मुस्तकीम, तूने मेरे सिर पे होंकी मारी है ना? देखा देखा, माँ जी ठीक हो गई। अरे नबील, ये मेरे सर पे चिड़िया क्यों चहचहा रही हैं? मुबारक हो, महमूद साहब भी ठीक हो गए। ओ जानू तुम भी उठ जाओ, जानू उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। ये आदमी खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। तुम क्या सोच रहे थे, मैं रात वाला वाकया भूल जाऊंगी? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इस घर से निकालूंगी। वाह भाई वाह, मुबारक हो, सबको सब कुछ याद आ गया। अब मैं तुझे तेरी नानी याद कराऊंगा साले। इधर आ। मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी नबील, सब तुम करोगे। यार जानू, तुमने तो बिल्कुल मुझे नौकरी समझ ली है। और सिर्फ तुम जैसा क्यों भाई, मैं भी हिस्सा लूंगा इस कुर्रांदाजी में। महमूद साहब, वो अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है, बाप नहीं। नबील, तुमने हमसे झूठ बोल के पैसे लिए? जानू सच बोलते, कौन सा तुमने दे देने थे यार। तुम्हें क्या लगता है कि ये शहजादी तुम जैसे निखट्टू आदमी से शादी करेगी? अरे तुम दोनों को कोई चौकीदार भी ना रखे। मलका आलिया पूछ रही हैं, क्या आप ही वो दो नौजवान हैं जिन्होंने कुरानदाजी में हिस्सा लिया था? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई